गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की थी, तब भी इन गद्दारों की साजिश को हमने नाकाम कर सरकार को बचाया था। उस समय इन्हीं गद्दारों ने इनकम टैक्स की रेड करवाकर डराने की कोशिश की थी और अब भी वही गद्दार षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इनका ये षड्यंत्र भी फेल कर दिया और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं हम, उन्होंने ये कहा है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर ब्यूरो हेड शशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांत, नोटिस मिलने के बाद अब धर्मेंद्र राठौड़ का बयान यहां पर सामने आया है। उनका कहना है कि वो आलाकमान पर उनका पूरा भरोसा है, लेकिन जो गद्दार थे जिन्होंने पहले साजिश रची थी वो भी अब भी षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, सीधा सीधा इशारा सचिन पायलट और उस कैंप पर है और नाम नहीं लिखा, किसी का नाम लिया नहीं है, लेकिन ये जरूर समझाने की कोशिश की है कि पिछली बार जो भाजपा के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे और खासतौर पे मेंशन किया है कि मेरे खिलाफ जिन लोगों ने रेड डलवाई थी, क्योंकि उस समय VIT की रेड जो है धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पड़ी थी और उन पर निशाना साधा है कि हम उनके षड्यंत्र को विफल कर चुके हैं और इसीलिए हम जो है टारगेट पर है, निशाने पर है और इसीलिए नोटिस दिया गया है। लेकिन भाषा में जो है तेवर तल्ख है, लेकिन पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्ति है और कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हम सच्चे सिपाही हैं और राहुल गांधी ने हमें सिखाया है कि आप डरिए मत, तो हम डरेंगे नहीं, इसका मुकाबला करें। चलिए शशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम पर आलाकमान नाराज है और इसके बाद जयपुर में बैठे गहलोत कैंप के कुछ नेताओं के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक जितेंद्र सिंह और निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने यहां पर बयान जारी किया है और दोनों नेताओं ने इस्तीफे के घटनाक्रम को गलत बताया और कहा कि वो आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी के फैसले के साथ है। तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उन्हें किसी तरीके का नोटिस नहीं मिला है, वो आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्देश देगा उसको सहसम्मान स्वीकार करेंगे, लेकिन 18 में से CM मंजूर नहीं। अब वो तो कह दिया सबने, अब बार बार क्या कहना है। आलाकमान जो भी राजस्थान में निर्णय करेगा, जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा एज ए CM, मैं आलाकमान के साथ हूँ और जो ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार किए मैं उससे सहमत नहीं। मैं आलाकमान के फैसले के साथ हूँ, 100% आलाकमान के फैसले के साथ हूँ, चाहे